अभी नहीं बाइक के अकॉर्डिंग कैसे अपना कैमरा का व्यू आ रहा है, कैमरा का एंगल क्या आ रहा है मुझे कुछ नहीं पता। आओ जी आओ। लो भी दोस्तों, मिल गया अपने को मिरर जो चाहिए था। अभी ये फिटिंग हो जाएगी फटाफट से, उसके बाद निकलते हैं आगे नंबर प्लेट लगवाने के लिए। नंबर भी बढ़िया है यार, 1936। ये मेरी मैडम की चॉइस है, जिन्होंने बाइक गिफ्ट किया भाई चॉइस भी तो होनी की होगी। अब बस नंबर लग जाए फटाफट, उसके बाद आगे निकलते हैं ऋषि के पास जाने के लिए। लो भाई दोस्तों, पहुँच गए राइडर कैफे। अब देखते हैं देवता जी यहाँ मिलते भी हैं कि नहीं, क्योंकि इनका कोई पता नहीं ना होता कब कहाँ उड़ जाए। अरे हाय हाय हाय, क्या जबरदस्त लग रही है यार बाइक। अपने रूम से बाहर निकलो और निकलते ही आपको एक ड्रीम ब्यूटी खड़ी हो मिल जाए तो क्या चाहिए। और क्या जबरदस्त लग रही है बाइक, मज़ा आ रहा है देख के। दिल तो करता है बस अभी उठाऊं और बाइक और लॉन्ग 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 राइड पे निकल जाऊं, बट उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम है। तो हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, की हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट जगजीत सिंह। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों आपके सामने ही है भाई, आपने लास्ट व्लॉग देख लिया था, फैमिली ने सरप्राइज दिया। सरप्राइज इस तरीके से दिया कि मेरी बोलती बंद हो गई। आपके सामने ही है पूरा वीडियो, आपने देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि मेरी फैमिली ने किस तरह से मुझे सरप्राइज किया। आप यकीन नहीं मानोगे कि पिछले करीबन हफ्ते 10 दिन से कुछ सेहत भी डाउन चल रही थी, कुछ वायरल फीवर आजकल जैसे वेदर चेंज होने पर होता है कुछ वो था, और कुछ वैसे ही दिमाग में कुछ टेंशनें थी। वो तो पता हर इंसान के दिमाग में होती हैं, ये कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे दिमाग में टेंशन नहीं है, सबके होती है। तो उसी तरह से कुछ मेरे दिमाग में टेंशन थी, तो इसीलिए मैं शॉक में था, वो टाइम ना इन्जॉय नहीं कर पा रहा था। 26 फरवरी को मैंने बाइक की डिलीवरी दी थी, आज हो गई है 1 मार्च और अभी तक बाइक का नंबर नहीं आया हुआ। बाइक जिस दिन ला के यहाँ पे खड़ी करी वैसी की वैसी बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है, मैंने इसको हिलाया तक नहीं है। हाँ, दिल को बहलाने के लिए एक दो बार मैंने इसको स्टार्ट जरूर किया था। अब ये है दोस्तों कि वो थोड़ा सा जो नेगेटिविटी से बाहर निकलाऊँ धीरे धीरे करके, थोड़ा सा अपने आपको समझाया नहीं ये आ गई ये चीज़ मेरे रूम से। जैसे मैं बाहर निकलता था, बाहर निकलते ही सामने बाइक नज़र आती थी ना, तो अपने आप को तसल्ली देता था नहीं भाई ये आ गई है अपनी है। अब सबसे बड़े 2-3 इशू आ रहे हैं। एक इशू तो ये आ रहा है कि गाड़ी की अभी तक मेरी RC नहीं आई है। आपको पता है यार यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम होता है डिले कि RC आने में कम से कम 20 से 25 दिन या 30 दिन लग जाते हैं। तो अब टेंशन यही है कि लेके पर कोई यही बाइक जानी है तो कैसे जाएं वो समझ ही नहीं आ रहा। उसका भी कोई ना कोई वे आउट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, निकल जाएगा। मेरा नंबर आ चुका है बाइक का, पहले तो नंबर लगवाने जा रहा हूँ और उसके बाद आज हल्की फुल्की कुछ मॉडिफिकेशन करानी शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं अभी निकल रहा हूँ मार्केट के लिए, ऋषि के पास जाऊँगा, और तो कोई जगह है नहीं मेरे पास। पहले एजेंसी चलते हैं, एजेंसी चल के बाइक का नंबर लगवाते हैं। नंबर लगाने के बाद सबसे पहले मुझे एक तो ये जो मिरर है ये चेंज करवाने हैं, नए मिरर की जगह पे एडवेंचर मिरर जो आते हैं 2-फोल्ड मिरर आते हैं, एक तो वो लगवाने हैं। उसके बाद यहाँ पे पीछे पाइनियर रैक लगेगा और आगे लाइट लगेंगी, और देखते हैं आप ही ऋषि के पास और क्या क्या एक्सेसरीज अवेलेबल है तो सारी आ जाके इंस्टॉल करवाते हैं। अभी दोपहर का 1 बज चुका है, 1:30 बजे तक लंच होता है। उससे पहले पहले चल के हमने जो ये मिरर है, साइड मिरर जो है, ये चेंज करवाने हैं, तो ये चेंज करवाते हैं और साथ साथ में नंबर प्लेट लगवाते हैं। उसके बाद चलते हैं ऋषि के पास, देखते हैं उसके पास क्या क्या सामान अवेलेबल है, आज हम लोग क्या लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ स्पेशल लाइट्स हैं जो कि ऋषि के साथ डिस्कस करके मैंने मंगवाई हैं। अब वो देखते हैं तो आज आएंगी या कल आएंगी, जैसे भी आती हैं। मैं कैफे चलता हूँ तो आपको चल के साथ में दिखाता हूँ, बाकी ऋषि के साथ बात करते हैं। अब आप ये देखो ना कि जिस दिन से मैं बाइक लेके आया हूँ, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि बाइक स्टैंड पे यहीं पे खड़ी हुई है, मैंने बाइक को हिलाया तक नहीं है, तो चलाना बहुत दूर की बात है। अब ये भी साथ में सोचना पड़ रहा है कि जो हमारी राइड होने वाली है अपकमिंग, कम से कम 5,000 किलोमीटर की राइड होगी। अब एक साथ में दिक्कत और भी जुड़ रही है, वो क्या जुड़ रही है कि 1,000 किलोमीटर बाइक की सर्विस होनी जरूरी है, तो वो मैंने अभी तक चलाई नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कवर तो ऐसे का ऐसे ही लगा हुआ है। अभी तक मेरी बाइक सिर्फ 7 किलोमीटर चली है, अभी इसको ऐसे ही कवर कर देते हैं। तो 7 किलोमीटर भी चली है, 1,000 किलोमीटर पहले चलानी जरूरी है, और टाइम मेरे पास कुछ बचा नहीं है क्योंकि आज 1 मार्च हो चुकी है और 5 मार्च को मैं अपनी राइड पे निकल जाऊंगा, जो कि तगड़ी जबरदस्त माइंड ब्लोइंग होने वाली है। तो मेरे साथ बने रहिए, वो तो आपको साथ साथ में आपको घुमाने लेके चलूंगा ही मैं। तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, पहले नंबर प्लेट लगवाते हैं, इसका मिरर का काम करवाते हैं और देखते हैं एक्सेसरीज क्या क्या अवेलेबल है वो लगवाते हैं, बाकी प्लान करते हैं राइड का। कोई शॉर्ट राइड भी मैं पहले कर सकूं ताकि बाइक का 1,000 किलोमीटर पूरा हो जाए, रनिंग पूरी हो जाए और मैं इसको सर्विस करा के लेके निकलूं। अगर यहाँ पे सर्विस नहीं भी करा पाऊंगा तो फिर जब राइड पे निकलूंगा तो इन बिटवीन रास्ते में साइज कहीं सर्विस करवाऊंगा। तो चलिए पहले निकलते हैं, फटाफट से इसका नंबर प्लेट लगवाते हैं और मिरर चेंज करवाते हैं। ये दो काम तो कन्फर्म है, ये तो करवाना ही है, उसके बाद आगे देखते हैं और क्या क्या आज मॉडिफिकेशन करवा पाते हैं। नई बाइक पे नई राइड,
स्टार्ट हो चुकी है। अभी वो यार नई नई बाइक है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में भी टाइम लगेगा यार। जो मर्जी कहो, हाथ सेट करने में थोड़ा टाइम तो जाता ही है ना। चलिए फटाफट से चल के पहले तो मिरर लगवाते हैं जिसके बारे में बात हुई थी। अभी नई बाइक के अकॉर्डिंग कैसे अपना कैमरा का व्यू आ रहा है, कैमरा का एंगल क्या आ रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। आओ जी आओ, देख रहे हो विनोद क्या हालत चल रही है। ऑटो वालों को रेस लगानी है ऐसी रोड पे भी। अब कैसा व्यू आ रहा है, कैसा साउंड आ रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अब तो जब एडिट करने लगूंगा तो उस टाइम भी पता लगेगा कि क्या पोजीशन चल रही है क्या नहीं चल रही है। बाकी आप बताना, जो पहले राइड करते थे उस टाइम जो व्यू आता था वो बढ़िया था कि यहाँ ये बढ़िया है। कुछ ना कुछ नई फील तो है यार, नई फील तो है, ये तो बात माननी पड़ेगी। हम लोग पहुंच गए हैं मोटो ट्रेंड्स पे। यहाँ पे मुझे पता लगा था कि अवेलेबल है मिरर जो हमें चाहिए। चलो देखते हैं, डबल फोल्ड मिरर तो मिल जाएगा देना। लो भी दोस्तों, मिल गया अपने को मिरर जो चाहिए था। अब ये फिटिंग हो जाएगी फटाफट से, उसके बाद निकलते हैं आगे नंबर प्लेट लगवाने के लिए। पुराने मिरर तो उतर गए यहाँ से, अब इस पे नए मिरर लगने जा रहे हैं, वो मैंने आपको दिखाई दिए। ऐसे अब बाइक खाली खाली अच्छी नहीं लगती यार, है ना। मुझे समझ नहीं आती यार वो लोग कैसे बाइक सही से चला देते हैं जो बिना साइड मिरर के अपना बाइक चलाते हैं। अपनी समझ से परे है यार। क्या बात है, क्या जबरदस्त लुक निकल के आई है। ये पीछे से और ये भी फ्रंट से, साइड मिरर लग गए, स्क्रीन प्रोटेक्टर लग गया। अब ये है कि टैंक कार्ड भी लगाना ज़रूरी है यार, टैंक पैड, टैंक पैक वगैरह लगेगा तो स्क्रैच ना आ जाए। उसके लिए बेटर यही है टैंक पैड भी लगा दिया जाए। तो मैं सिंपल सोवर ही लगवा रहा हूँ, कोई ज़्यादा तड़क भड़क वाला नहीं लगवाना, मुझे पसंद नहीं है। तो ये लग रहा है, बता रहा यार कमेंट में कैसा लग रहा है आपको। बाकी मिरर से तो जो लुक है ना वो अलग ही आ गई है यार, ज़बरदस्त हो गया। टैंक प्रोटेक्टर भी लग गया, स्क्रीन गार्ड भी लग गया और अपने मिरर भी लग गए जो अपने को चाहिए थे। अब यहाँ से निकलेंगे एजेंसी, एजेंसी जाएंगे फटाफट से नंबर प्लेट का काम करवाते हैं, फिर आगे फुर हो जाते हैं। कोशिश तो यही है यार सारा काम पूरा हो जाए जाने से पहले, अगर कुछ भी रह गया ना बीच में तो दिक्कत हो जाएगी। किसी तरह की कोई कमी रह ना जाए इसलिए पक्का काम करवा रहे हैं, हीट करके इसको प्रॉपरली सेट करवा देंगे। यहाँ का काम तो दोस्तों अपना हो गया, अब चलते हैं फटाफट से नंबर प्लेट का काम करवाने के लिए। सर्विस सेंटर पहुँच गए हम लोग, अब चलते हैं फटाफट से देखते हैं पता कर नंबर का क्या। मुझे एजेंसी से कॉल आई थी कि आपका नंबर आ गया हुआ है और आके नंबर लगवा लो, तो चलो चलते हैं पहले ऊपर फटाफट से एजेंसी में और नंबर लगवाते हैं इस पर। नंबर तो लग गया अपनी बाइक पे, अब ये सर जी अगला नंबर प्लेट लगा रहे हैं। नंबर भी बढ़िया है यार, 1936। ये मेरी मैडम की चॉइस है, जिन्होंने बाइक गिफ्ट किया भाई चॉइस भी तो होनी होगी। अब बस नंबर लग जाए फटाफट, उसके बाद आगे निकलते हैं ऋषि के पास जाने के लिए। अब देखते हैं ऋषि के पास क्या क्या एक्सेसरीज अवेलेबल हैं। नंबर प्लेट तो दोस्तों लग गई, अब आरसी पे अप्लाई हो गई, तो अब निकल रहा हूँ ऋषि की तरफ, राइडर कैफे की तरफ। वहाँ चल के देखते हैं कि क्या क्या एक्सेसरीज अभी अवेलेबल हैं और क्या क्या लग सकता है, क्योंकि मैंने टॉप केस रैक तो मंगाया हुआ था, वो पता नहीं अभी आया कि नहीं आया, सब कुछ अभी अनसर्टन है, कुछ भी फिक्स नहीं हुआ।
जो फिक्स हो सकता था साथ साथ में फिक्स करवा भी करवाता जा रहा हूँ। अब सबसे बड़ा जो टेंशन है वो यही है लगेज रैक। अब वो लगेज रैक ऋषि के बोला हुआ है, अब देखते हैं अभी मंगाया कि नहीं मंगाया। वैसे कह तो रहा था कि आ जाएगा, बट वही है चेक करना पड़ेगा जाके। एक तो यार ट्रैफिक ना सही में वर्स्ट होता जा रहा लुधियाना का भी। वैसे तो ये है, हालत तो सभी तरफ है, कोई एक तरफ नहीं है, सभी तरफ यही हालत है, कुछ नहीं कर सकते। पर एक बात का जो मुझे अभी तक थोड़ा सा रिलीफ लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि जैसे अभी ये बाइक चला रहा हूँ तो हीट नहीं फेंक रही है इतनी, टेम्परेचर भी अभी ज़्यादा कोई गर्म नहीं हुआ। अब या तो आज मौसम अच्छा है तो इसी वजह से हो रहा है, या फिर ये बाइक ऐसी है, क्योंकि भाई जो मेरी पहले वाली ड्यूक है वो तो भैया ज़बरदस्त टांगे चलाती थी, बहुत ज़्यादा हीट फेंकती थी, बहुत ज़्यादा हीट फेंकती थी। बट अभी यही है कि नई टेक्नोलॉजी आई है तो नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ में रेक्टिफाई भी करते हैं जो पुरानी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उसकी तो शुरू से प्रॉब्लम थी ना ड्यूक की कि भाई वो हीट बहुत ज़्यादा फेंकती थी, बहुत हीट फेंकती थी। लेकिन अभी इसके तो मुझे ऐसा कोई फील हो नहीं रहा हीट का, हो सकता है वेदर की वजह से अभी हो कि हीट नहीं है। मेन तो वही है गर्मियों में पता लगेगा कि क्या पोजीशन बनती है, कि हीट होती है कि नहीं होती। तो जो भी है अच्छा है, अभी तो मज़ा आ रहा है, अभी सिटी में भी चलाने में इसको मज़ा आ रहा है, क्योंकि जो पहले वाली ड्यूक थी उसको तो मैं सिटी में कभी निकालता ही नहीं था, बहुत रेयर चांस हुआ कि उसको सिटी में मैंने राइड की हो, मैं करता नहीं था राइड क्योंकि उसके कई ड्रॉबैक थे। और वैसे भी मेरा ना बाइक चलाने का मन नहीं करता सिटी में, इस पर तो सिटी में तो भैया अपनी एक्टिवेट ही रहती है। अभी हम जो नए फ्लाईओवर पे आ गए हैं भैया, इस पर बहुत ध्यान से बहुत आराम से चलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे स्पीड कैमरा लगा हुआ है इसीलिए तो स्पीड बहुत कंट्रोल में रख के चलानी पड़ रही है। यहाँ पे पुलिस वाले हमेशा खड़े रहते हैं, तो भाई बचाओ में ही बचाओ है, ध्यान रख के चलाना ज़्यादा बेटर है। चलो अपना एग्जिट आ गया, अब यहाँ पे तो पुलिस वाले नहीं दिखे, अच्छी बात है, बट वही है ज़रूरी नहीं है कि पुलिस वाले दिखें तो अभी हमने कंट्रोल में चलना है, वैसे भी कंट्रोल में रहना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। हेलो भाई दोस्तों, पहुँच गए राइडर कैफ़े, अब देखते हैं देवता जी यहाँ मिलते भी हैं कि नहीं, क्योंकि इनका कोई पता नहीं ना होता कब कहाँ उड़ जाए। सत श्री अकाल जी देवता जी, की हाल चाल ने? वाह वधिया वधिया, तुहानू भी जी थैंक यू थैंक यू। अज कटिया जी करो दोस्तों, अभी का सीन ऐसा है ऋषि की शॉप से वापस निकल चल रहा हूँ मैं घर के लिए। अभी सिर्फ क्या किया मैंने, ज़्यादा शूट यहाँ पे ऋषि के कैफ़े पे किया नहीं, रीज़न क्या है कि अभी जो जो सामान मुझे चाहिए था वो एज़ यूजुअल आउट ऑफ स्टॉक था। एजेसी की लाइट्स तो हैं इसके पास, बट कुछ नई आइटम इसने दिखाई है कि पाजी ये लाइट नहीं आ रही है, तो मैंने कहा भाई वेट करना बेटर है, कोई इशू नहीं है। ये कह रहा है कि 2 या 3 दिन में नई लाइट्स आ जाएंगी तो उसको इंस्टॉल करा लिया जाएगा, तो फिर मैंने कहा जल्दबाजी करने का कोई मतलब बनता नहीं है, मैं कौन सा कल सुबह ही राइड पर निकल रहा हूँ, अभी अपने पास आया 2-3 दिन तो तब तक इसके पास नई लाइट्स पहुँच जाएंगी। सेकंड जो टॉपकेस रैक लगाना है वो भी अभी तक इसके पास स्टॉक में पहुँचा नहीं है, हालांकि उसको 2 दिन हो गए ऑर्डर किए हुए, तो वो भी मोस्ट प्रॉब्ली कल तक पहुँच जाएगा। तो देखते हैं, या तो सब कुछ इकट्ठे ही लगाऊंगा एक ही दिन में, नहीं तो टॉपकेस रैक के लिए मुझे कल आना पड़ेगा, कल आके टॉपकेस रैक लगाते हैं, क्योंकि टॉपकेस वगैरह सब कुछ तो है ही अपने पास, सिर्फ ये है कि फिटिंग करवानी है। तो कल एक बार सब टॉपकेस रैक आ जाए, कल रैक फिटिंग करवाएंगे, उसके बाद जो लाइट्स हैं वो तो भाई ये भाजी कह रहे हैं कि अपने पास आएगा 4 तारीख तक सामान, और 5 तारीख को अपने को राइड पे निकलना है। और राइड भी मैंने आपको पहले जैसे बताया कि धमाकेदार और ज़बरदस्त राइड होने वाली है, और कम से कम नहीं तो 5,000 किलोमीटर की राइड जो ये होने वाली है। तो दोस्तों अभी बहुत 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 तगड़ा कॉन्टेंट आने वाला आगे, तो आपसे मैं यही कहूँगा कि राइड ऑन विद जगजीत को सब्सक्राइब करो, राइड ऑन फैमिली को और बढ़ाओ, वीडियोस को शेयर करो, ताकि आपको और ज़बरदस्त जो अभी आने वाला कंटेंट है ना वो आपको दिखाऊं, और आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह पे घुमा के लाऊंगा। बस आप जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो यार वीडियो को अगर कुछ भी अच्छा लगे तो, हाँ एक प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर किया करो यार, अब भाई इतना तो बनता है ना। मज़ा आ रहा है यार नई बाइक चला के ना, वाकई में मज़ा आ रहा है।
बाइक खाली वैसे नई नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। नहीं तो सही बात बताऊँ, जो जेन्युइन रिव्यू है ना, जो पावर मेरी पहली वाली KTM में है ना, जो ड्यूक में है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इसमें मुझे अभी उतनी पावर फील नहीं हो रही, या हो सकता है कि अभी सर्विस नहीं हुई, उस वजह से मुझे लग रहा हो। मज़ा इसी में करना है। आप लोग साथ दो, अपना प्यार दो, तो और आगे बढ़ते जाएंगे। अभी जो मज़ा आ रहा है ना ये बाइक चला के, मतलब मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ, अभी तो चलो थोड़ा ट्रैफिक है, रोड ऐसा है, सिटी रोड है, थोड़ा सा कंट्रोल में चलना पड़ रहा है। यही जब मैं हाईवे पहुंचूंगा या एक्सप्रेसवे पे पहुंचेंगे हम लोग, तो क्या ज़बरदस्त नज़ारा आएगा। मुझे अभी से उस बात की एक्साइटमेंट हो रही है कि बहुत 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 मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। अब सबसे बड़ी बात तो एक साथ में ये भी देखने वाली है कि राइड के दिन कौन कौन साथ में तैयार होता है, क्योंकि अभी तो दो या तीन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने यस किया हुआ है कि हाँ हम भी चलेंगे साथ में। बाकी एज़ यूजल आपको पता ही है कि जब राइड पे निकलो और उस टाइम पे कौन सा साथ में है तब पता लगेगा। प्लानिंग तो दोस्तों बहुत से दोस्तों की आपके साथ में होती है, बट कितने लोगों की प्लानिंग जो है वो सक्सेस होती है वो तो टाइम आने में ही पता लगेगा। जैसे अभी अपना ऋषि है, तो स्टार्टिंग में तो जब मैंने इसको बताया ऋषि ये प्लान है, भाजी मैं इन हूँ, मैं भी चलूँगा साथ में। धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बीतता गया, नहीं भाजी बनेगा नहीं, ये हो गया वो हो गया, जो एज यूजल होता है। तो ठीक है, हर इंसान का अपना अपना सिस्टम होता है यार, अपने अपने तरीका होता है कि कहाँ कब किसने कैसे कहाँ निकलना है। तो ऋषि का तो बन नहीं पाया, लेकिन अभी और है फ्रेंड्स जिनका प्रोग्राम है, तो वो भी देखते हैं कि राइट डे पे कौन कौन साथ में निकलता है। चलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर लूँ ट्रैफिक के साथ। अभी तो आपको ये फ्लाईओवर से उतर रहा हूँ तो नज़र आ रहा है कि खाली है, लेकिन आगे मुझे ट्रैफिक नज़र आ रहा है। तो ट्रैफिक को क्रॉस करने के बाद घर पहुँच के मिलता हूँ आपको। तो भी दोस्तों घर पहुँच गया था मैं, और करण सिंह भी आ गया। अब करण सिंह को दिखाते हैं हमने क्या क्या किराया। अभी हमने जो अपनी सबसे पहले किया कि यहाँ पे थोड़ी प्रोटेक्शन लगा दी टैंक पे, ये लगवा दिया क्योंकि टैंक बैग यहाँ पे लगेगा तो स्क्रैच ना आ जाए। उसके बाद ये लगवा दिए मिरर्स, बैक मिरर्स जो ओरिजिनल आते हैं ना वो निकलवा के रखा दिए, और ये लगा दिया। मेरे को बहुत मन था मेरा ये चीज़ लगवाने का, और स्क्रीन गार्ड लगवा दिया, ये भी एकदम प्रोटेक्टिव हो गया। तो यही है, छोटी है नंबर प्लेट भी लग गई, नंबर भी आ गया। अब ये इसके रह गया खाली एक तो टॉप केस रैक। अब इसके बाद यहाँ पे रह गया टॉप केस, जो रैक लगना है वो लग गया, वो लगना है, सॉरी लगा नहीं अभी, ऋषि के पास जाके आया हूँ, ऑर्डर आपके सामने मैंने कर दिया हुआ है, तो एक दो दिन में आ जाएगा, वो भी लगवाएंगे। और उसके बाद आगे लाइट्स लगेंगी, जिसका प्रोटेक्टिव पूरा केज लगना है, वो भी सारा ऑर्डर कर दिया हुआ है, तो वो भी अपना परसों तक आ जाएगा। फिर उसके बाद सारा इकट्ठा जो भी एक बार काम करवा के काम ख़त्म करेंगे, फिर अपना धमाधम राइड पे निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, आपके सामने ही है पूरा दिन आज का कैसे निकल गया कुछ पता नहीं लगा। अब जो बाकी का सामान पेंडिंग रह गया वो जैसे जैसे अपना आता जाएगा लगवाते जाएंगे, और आपको साथ साथ में अपडेट करता चलूंगा। बस फिर कहूंगा कि आगे आने वाली राइड बहुत जबरदस्त राइड होगी, कम से कम 4 या 5 हज़ार किलोमीटर की राइड होगी, फुल टू मजा करेंगे, फुल टू धमाल करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग आउट जगजीत सिंह, बाय।